आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का फूका पुतला। राज्य में बढ़ते महिला अपराध के विरोध में किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड में महिला अपराध पर सियासत गर्मा गई है। आक्रोशित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसलहौल चौक देहरादून में सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। प्रमुख मांग ये है कि जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जो रोज के रोज एक केस जो सामने आता है, आप देखिए, आप औरों की बात छोड़िए, लेकिन जो आपके अधीनस्थ हैं, जैसे कि आप नई निकेतन हल्द्वानी का मामला है, कितना क्रूर, वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए वो बच्चियां कहाँ जाएंगी। आज हम उन बच्चों की आवाज़ लेकर यहाँ पे आए हैं, एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के, दूसरा एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वहीं के उसे संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी, कम से कम इस देवभूमि का आप सम्मान रख लीजिए, मान रख लीजिए। आप इस देवभूमि के पुत्र हैं, अगर आप यहाँ की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। रेखा आर्या मंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे। एक मामला अंकिता भंडारी का मामला हो गया, विनीता भंडारी का मामला हो गया, अमृता रावत का मामला हो गया, रोज 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 एक आमने सामने आपके आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं उनके ऊपर जो सरकारियों की सरकार का जो दायित्व बनता है उन बच्चों को सुरक्षा देने का, जैसे कि नारी निकेतन हो गया, आपका मूक बधिर हो गया, वहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। आपको जल्द से जल्द इनके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यदि अंकिता भंडारी के ऊपर आप कार्रवाई करते तो इतने केस सामने नहीं आते। आप एक नजीर पेश कीजिए, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि ताकि जो है अपराधी डरे। आप देखिए कि कितने ज्यादा अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जरा भी डर सरकार का नहीं है। अगर सरकार का डर होता तो क्या आपके सामने इतने केस आते नहीं। तो मैं कहना चाहूंगी धामी सरकार से और रेखा मंत्री आर्या जी से कहना चाहूंगी कि आप होश में आइए और जल्द से जल्द इन प्रकरणों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, वरना हम कांग्रेस जो है जगह जगह जाकर के लोगों के घर जा करके आपके इन्हीं सभी कृत्यों को जाकर के लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, काम करेंगे। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से भी निवेदन करूंगी कि इन महिलाओं के लिए, अपने उत्तराखंड के राज्यवासियों से निवेदन करना चाहूंगी कि इतना अत्याचार आप मत सहन कीजिए, अपनी आप आज किसी तरह से भी उठाइए ताकि इन बच्चों की सुरक्षा मिले और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके सरकार और महिलाओं का जीवन सेफ हो सके और ये बेखौफ होकर के उत्तराखंड में घूम सके। बस धन्यवाद।